सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादित स्थल पर फैसला सुना दिया है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वर्ल्ड मीडिया में काफ़ी चर्चा रही। अमेरिकी मीडिया ने कोर्ट के निर्णय को प्रधानमंत्री मोदी की जीत बताई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि भाजपा ने मुद्दे का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल का नियंत्रण प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को दे दिया है, जिसके बाद हिंदू राष्ट्रवाद समूह को ट्रस्ट सौंपा जाएगा। अखबार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को आकार देने का काम करेगा। दशकों तक अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने मामले से जुड़ी भावनाओं को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा ने इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके से किया। विवादित स्थल का नियंत्रण हासिल करना हिंदू राष्ट्रवादियों का दशकों पुराना एजेंडा रहा है। मोदी खुद युवावस्था से राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो इस मुद्दे में गहराई से उतर आए। मिडिल ईस्ट की वेबसाइट ने लिखा है कि भाजपा ने अयोध्या में मंदिर के लिए सालों अभियान चलाया और अब फैसला जारी किया, जिससे मंदिर का रास्ता बनाना साफ हो गया है और ये मोदी के लिए दूसरी कार्यकाल की सबसे बड़ी जीत है। उम्मीद है कि यह फैसला सालों के गुस्से और मतभेद को भरी कानूनी लड़ाई से अंत करेगा, जिसे ब्रिटिश शासक और यहां तक कि दलाई लामा भी सुलझा नहीं पाए। दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात की वेबसाइट गल्फ न्यूज ने लिखा कि 134 सालों का विवाद 30 मिनट में सुलझाया गया। हिंदुओं को अयोध्या की जमीन मिलेगी, मुसलमानों को मस्जिद के लिए एक वैकल्पिक जमीन दी जाएगी। पाकिस्तान अखबार द डॉन ने लिखा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित स्थल पर जहां कभी हिंदुओं ने 1992 में मस्जिद गिराई थी, हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना दिया और कहा कि अयोध्या की जमीन पर मंदिर बनाया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने यह माना है कि 460 साल पुराना बाबरी मस्जिद गिराना कानून का उल्लंघन था। वहीं ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने लिखा है कि प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे बड़ी जीत है। अखबार ने लिखा कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और उनके राष्ट्रवाद का ये सबसे बड़ा एजेंडा रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। तब तक के लिए देखिए जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। पेज को लाइक करिए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।